नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चले बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी के गोलापार स्थित हेलीपैड से आज उड़ान सेवा की शुरुआत की गई, जिसको लेकर प्रशासन काफी समय से तैयारी में लगा हुआ था। बता दें, 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से मुंशारी और हल्द्वानी से चंपावत के लिए भरेगा, जिसके लिए किराया हल्द्वानी से चंपावत 2500 रुपए, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ 3000 और हल्द्वानी से मुंशारी 3500 रुपए रखा गया है। बता दें, आज सुबह 10 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से गोलापार से इस हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालगुआ विधायक समेत तमाम नेतागण ने शिरकत की। बनबुलपुरा हिंसा के बाद पुलिस लगातार दंगाइयों को पकड़ रही है। आपको बता दें, अभी तक 74 दंगाई सलाखों के पीछे आ चुके हैं। वहीं आज एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक कुल 78 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। हल्द्वानी शहर में हुए उपद्रव और बवाल के बाद हैदराबाद में बैठा सलमान खान हल्द्वानी के लिए निकल पड़ा। आपको बता दें, उसने अपने सोशल मीडिया पर मिशन हल्द्वानी के नाम से वीडियो डाला था और फिर बनबुलपुरा पहुंचकर नोटों की गड्डियां बांटने का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। बता दें, इलाके में कई लोगों को नोटों की गड्डी बांटने और भड़काऊ वीडियो डालने के बाद वो पुलिस के रडार पर आ चुका है और पुलिस ने सलमान से पूछताछ शुरू कर दी है। हल्द्वानी में आज गौ रक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में बिरयानी की दुकानों पर हलाल प्राथमिकता का बोर्ड लगाने और मंगलवार को सभी बिरयानी की दुकानों के बंद रखने समेत इनके संचालन के और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की मांग की। इस दौरान संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि शहर में इन दिनों बिरयानी की दुकानों की आड़ सी हो गई है, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जैसे बाहरी शहरों से आकर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जिसके अलावा बिरयानी की दुकानों में हिंदुओं को हलाल मांस की बिरयानी बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को बनबुलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें, अब अब्दुल मलिक पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मुकदमा सरकार की 13 बीघा से अधिक जमीन को षड्यंत्र से खुद्र बुद्र करने का है। बता दें, इस मामले में 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया, उसके नाम से एफिडेविट भी बनाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए तथ्य प्रकाश में आए और सरकारी जमीन को खुद्र बुद्र करने और षड्यंत्र रचने के मामले में अब्दुल मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक पर भी FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।